लिख लिया। अच्छा यहाँ पर आपका जो छंद है ये कौन सा छंद है? कुंडलिया। ठीक है, कुंडलिया छंद में हमने आपको क्या बताया, लक्षण क्या होता है? पहला और दूसरा जो चरण है ये कौन सा चरण होगा? दोहा होगा। और तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये रोला छंद के लक्षण पर आधारित होगा। ठीक, जिसका हमने आपको यहाँ पर एक डायग्राम जैसा बनाकर दिखाया है। क्या होता है पहला और दूसरा, देखो मात्राएं टोटल अगर आप करोगे तो सभी में कितनी निकलेगी? 24 मात्राएं ही होंगी। लेकिन इन 24 मात्राओं में भेद क्या है? भेद ये है कि पहले के दो चरण क्या है? दोहा छंद पर आधारित है। काहे पर? दोहा छंद के लक्षणों पर आधारित। तथा बाद के चार चरण रोला छंद के लक्षण पर आधारित है। उसके बाद क्या होता है कि जिस शब्द से शुरुआत है उसी से अंत। देखो सोहे से शुरुआत की और सोहे पर अंत किया है। दोहा का चौथा चरण रोला का पहला चरण होता है। यहाँ पर हमने देखो 11 पर क्या किया है, अंडरलाइन कुछ ज्यादा डार्क। और देखो इधर आरु आखेटक जाल, ये क्या है? दोहा का चौथा चरण है, यही रोला का पहला चरण हो गया। तो इसका मतलब लक्षण के आधार पर आपसे जो प्रश्न करेगा वो विभिन्न प्रकार के क्या होंगे, युवा छंद कौन सा है जिसकी शुरुआत जिस छंद शब्द से होती है उसी से समाप्त। तो उत्तर होगा दलिया। वह छंद कौन सा है जो दो अलग अलग छंदों से निर्मित, अर्थात जिसके पहले दो पद दोहा तथा बाद के दो पद रोला, तो कौन सा छंद कहलाएगा? वह छंद जिसमें दोहे का चौथा चरण ही रोला का पहला चरण होता है तो क्या कहलाएगा? हाँ उदाहरण देखते हैं कि सोहे वन में मोर पिक चातक सुआ मराल, क्षत्रिय के कर में धनुष अरुआ खेटक जाल, अरुआ के टक जाल सुहाए घर में नारी। दो गुरु हो गए, लदी फलों से डाल सुगंधित कलिमाया क्यारी, सरिता में ज्यो नीर नीर को मच्छरी जो है, पंडित जी के हाथ का मंडल माला सो है। कौन सी चीज कहाँ पर अच्छी लगती है ये बताया गया है कि सोहे वन में मोर पिक, अगर आप मोर है, कोयल है, तोता है, ये सब कहाँ अच्छे लगते हैं? अगर जंगल में, अगर उनको पिंजरे में बंद कर ले तो वो अपनी सुंदरता को खो देते हैं, फिर वो उतने अच्छे नहीं लगते हैं। चार तक सुआ मराल, मतलब ये सब क्या है, पक्षियों के नाम है। और क्षत्रिय के कर में धनुष, क्षत्रिय के हाथ में क्या अच्छा लगता है? और पंडित जी के हाथ में कमंडल, पंडित जी लिए धनुष घूम रहे हो। अब राजा क्या करे, क्षत्रिय क्या करे, कमंडल ले, ठीक लगेगा? नहीं। तो क्षत्रिय के कर में धनुष और आखेटक जाल, आखेटक के हाथ में क्या लगता है अच्छा? जाल। वो लिए माला घूम रहा हो, मार रहा चिरैया, बढ़िया लगेगा देखने में? नहीं। और फिर क्या, लदी फलों से डाल, डाल कैसी अच्छी लगती है पेड़ की फलों से, और सुगंधित कलिमा है क्यारी, भाई क्यारियां अगर घर में बनी है तो उसमें बढ़िया बढ़िया सुंदर फूल लगे हो। और सरिता में जो नीर, तो छूट गया है ना, सरिता में जो नीर, जो पानी कहाँ, पानी कहाँ चढ़ता है, नदी कोई हो और सूखी हो बढ़िया लगेगी? नहीं। और नीर को मछली जो है, नीर में मछली अच्छी लगती है, पानी हो, पानी को बढ़िया मछलियां तैर रही हो, बढ़िया लगेगा देखने में। और पंडित जी के हाथ कौन अच्छा लगता है? माला अच्छा लगता है, तो छूट गया है, सुहाए घर में नारी। और स्त्रियां कहाँ अच्छी लगती है? घर में। ऐसा थोड़ा है कि वो ठीक। तो कहने का मतलब कुछ चीजों को, कुछ जगह पर ये पुराने तरीके के दोहा या वो चीजें हैं, आज तो ठीक है जो भी है भगवान जाने। तो कहने का मतलब ये है, आपका जो लक्षण है वो समझ में आया, तरीका समझ में आया। प्रश्न में क्या पूछेगा, प्रश्न में ये उदाहरण नहीं दिया होगा इतना लंबा, प्रश्न में जो प्रश्न मैंने किए हैं इस तरह से प्रश्न होंगे, लक्षण ये है, इसको आप
अध्ययन कर लीजिए। कोई प्रश्न है आपका पूछना है, कोई संदेह तो नहीं है, कुछ जानना है पूछना है, ठीक है आगे बढ़ते हैं।